माँ की चमत्कार नहीं है तो ये 21 कलशा कैसे रह जाता है? बिल्कुल, बाबा नागेश्वर 21 कलश लिए हुए हैं, 21 कलश में गंगा जल पैक होता है। सब वजन कितनी होगी लगभग? बाबा की कलश की वजन 70 kg है। हाँ। लेकिन बाबा से अगर बात कीजिएगा तो बाबा कहते हैं अलहूर का फूल। माता का कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं माता का चमत्कार एकदम है। ही बाबा बिना कुछ खाए पिए हैं और 21 कलशा रखे हुए हैं और 21 में गंगा जल है। 21 कलशा है, 28वां साल है। जगत जननी का क्या प्रभाव पड़ता है? माता रानी जो चाहती है वही ये दुनिया में होता है और वही होगा, उसके आगे कुछ नहीं होता। 28 सालों से हम सुन रहे हैं कि ये कलश जो है अपने सीने पे रखते हैं, एक बड़ा ही अद्भुत इनका करामात है। बम्बई दिल्ली सब से आते हैं, खास के ये नवरात्रा में जरूर हमारे माता रानी के सब भक्त यहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, एक बाबा हैं जो कि अपने छाती पे 21 कलश लिए हुए हैं और ये माँ का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चमत्कार है और ये भक्त का अनोखा भक्ति आपको दिखाएंगे। अभी हम देखिएगा तो अभी यहाँ पे बाबा सोए हुए हैं और बाबा के जो छाती है उस पर 21 कलश रखा गया है, जिसमें मतलब कि जल है लगभग, ना ही उस जल का वजन होगा तो लगभग 50 से 60 लीटर होगा उस जल का वजन, और कहीं ना कहीं बाबा के एक बहुत बड़ा चमत्कार है। बातचीत कर लेते हैं बाबा से। बाबा क्या नाम हुआ? जय माता दी। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो। अच्छा बाबा कितने कलश लिए हुए हैं? 21 कलशा है, 28वां साल है। हाँ। और सुखी और शांति से लोगों के आशीर्वाद देते रहते हैं। कहीं ना कहीं बाबा आपके ऊपर माँ का बहुत बड़ा चमत्कार है और आप एक अनोखा भक्ति कर रहे हैं। जब तक माँ की चमत्कार नहीं है तो ये 21 कलशा कैसे रह जाता है? बिल्कुल, आप तो अनोखा भक्ति भी कर रहे हैं। 28 साल से आ रहा हूँ। 28 साल से तो ये देख सकते हैं जो कि कह रहे हैं बाबा की 28 सालों से, मतलब ये एक अनोखा भक्ति है और कहीं ना कहीं ये माँ के इनके ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार है। बाकी बाबा से बातचीत करेंगे। देखिएगा तो यहाँ पे तमाम दूर दूर से जो लोग हैं देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर में ये कैसा भक्त हैं और ये कैसा अनोखा भक्ति है जो कि इनके ऊपर विराजमान हो गया। बाकी हम अंदर चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनकी अपनी प्रतिक्रियाएँ हैं, और कहीं ना कहीं इस अनोखे भक्ति को देखने के बाद सभी लोग ये आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि आखिर में ऐसा कैसे संभव है। तो कहीं ना कहीं ये माता का बहुत बड़ा चमत्कार है। माँ से यहाँ पे हैं बाबा जी, बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे बाबा जी? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता, नमः तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। माँ शक्ति का आराधना है। बिल्कुल, ये आदि जगदम्बा है, जगत जननी है, और माता के चरण में बाबा नागेश्वर पड़े हुए हैं और बाबा नागेश्वर 21 कलश लिए हुए हैं, 21 कलश में गंगा जल पैक होता है। सब वजन कितनी होगी लगभग? बाबा की कलश की वजन 70 kg है। हाँ। लेकिन बाबा से अगर बात कीजिएगा तो बाबा कहते हैं अलहूर का फूल है। हाँ। तो धन है नागेश्वर बाबा। हाँ। और धन है उनकी माँ जो अपने बच्चों को इतनी शक्ति देते रहते हैं, और इन्हें हम मनोकामना माँ भी कहते हैं क्योंकि माता रानी के दरबार में जो भी भक्त अभी तक आए हैं, 22 वर्ष से हम दरबार में हैं, 22 वर्ष मैंने ये देखा है कि जो भी भक्त आए हैं झोली भर के गए हैं, यहाँ से खाली कोई नहीं गए हैं। बाबा ऐसे भक्ति कब से कर रहे हैं? बाबा 28 वर्ष से करते आ रहे हैं, हम 22 वर्ष से बाबा को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अनोखा भक्ति है और माँ का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चमत्कार है। आज दशहरा का चौथा दिन है, क्या कुछ कहेंगे? है ना, बहुत लोग हमारे सनातन पे उंगली उठाते हैं कि सनातन ढोंग है। बिल्कुल, हम ढोंगी वाले को कहना चाहते हैं कि नौलखा मंदिर में आवे, मैं उनको दिखाता हूँ कि नौलखा माँ का क्या शक्ति होता है, जगत जननी का क्या प्रभाव पड़ता है। माता रानी जो चाहती है वही ये दुनिया में होता है और वही होगा, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। इस अनोखे भक्ति को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ सोचते हैं इस भक्ति को लेकर? हम सभी भक्त को कहेंगे कि दरबार में आवे और नागेश्वर बाबा से जरूर आशीर्वाद लें, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो भी माता बहन हमारे माँ के दरबार में आए हैं अगर उनको पुत्र की भी कमी है तो नागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से उनको पुत्र भी प्राप्त हुए हैं। हम बिल्कुल सभी
माता बहन को हम आदेश देते हैं कि जिनको भी कमी हो दरबार में एक बार आवे और माता रानी का आशीर्वाद लेके जाए। कहाँ कहाँ से लोग देखने के लिए आ रहे हैं इस अनोखे भक्ति को और इस बाबा को देखने के लिए? बाबा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा। बम्बई दिल्ली सब से आते हैं, खास के ये नवरात्रा में जरूर हमारे माता रानी के सब भक्त यहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई भक्त न भी आया तो यहाँ वो पूजा का खर्च भेज देते हैं कि बाबा हमारे नाम से आप पूजा कीजिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये नवरात्रि के जो बाबा हैं कहीं ना कहीं ये अनोखे भक्ति कर रहे हैं, और इस अनोखे भक्ति के बारे में आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है आप जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अनोखा भक्ति है। और देखिएगा तो बाबा अभी अपने छाती पे 21 कलश लिए हुए हैं जिसको अभी आप दिखा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ से देखने के लिए आए हैं और क्या उन्होंने ऐसी अनोखी भक्ति कभी उन्होंने देखा था कि नहीं देखा था। बहुत सारी इधर हैं, और कहाँ से आई है मैडम? हम रूपसपुर से हैं। इस अनोखा भक्ति देखे थे कहीं अभी इससे पहले? नहीं देखे नहीं, सुने इस बार हम आए हैं। लगता है आपको कि ऐसी अनोखी भक्ति ऐसा चमत्कार कहीं ना कहीं बिना माता के हो सकता है? नहीं, बिना माता के कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं माता का चमत्कार एकदम है ही। बाबा बिना कुछ खाए पिए हैं और 21 कलश रखे हुए हैं और 21ों में गंगा जल है। और बाबा से अभी पूछे कि मतलब भार लग रहा है, तो बोले नहीं, एक उरूल फूल के बराबर लग रहा है। तो माता का कहीं ना कहीं तो शक्ति है ही। माता का चमत्कार है बहुत, बहुत। क्या कहेंगे चाचा? नहीं, चमत्कार ही है, माता का चमत्कार है, मानते हैं? देखिए सभी लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये माता का चमत्कार है। और थोड़ा सा इधर से दिखाइए एक बार तस्वीर को, और ये देखिए एक बार इस यहाँ पे जो भी अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे बहुत सारे लोग दान किए हैं, और देख सकते हैं इस तस्वीर को कि कितना मतलब कि अद्भुत नज़ारा आपको दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह रहे हैं कि लगभग मतलब 21 कलश को उसमें 50 से 60 लीटर जल भरा हुआ है गंगा जल, और इस गंगा जल को अपने छाती पे ले हुए बाबा अभी आपको सोए नज़र दिखेंगे। और इस तस्वीर को देखने में आप क्या सोचते हैं और आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है ये आप बस बताएगा। तो और पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, और बहुत सारे लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर? बस सब ठीक है, और यहाँ पे आए हुए हैं माँ के जो यहाँ पे भक्त हैं, हम लोग भी माँ के भक्त हैं, और यहाँ पे आए हुए हैं जो 28 सालों से हम सुन रहे हैं कि ये कलश जो है अपने सीने पे रखते हैं, एक बड़ा ही अद्भुत इनका करामात है, जो कि ये दरभंगा से आए हुए हैं, नागेश्वर बाबा इनका नाम हुआ, और इन्हीं से हम लोग भी इनको ऐसा अनोखा भक्ति आप कहीं देखे थे? देखिए भक्ति का तो कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे अनोखे जो भक्तगण है वो मिलते रहते हैं, और भक्ति की कोई सीमा नहीं है, और ये भी एक अलौकिक भक्ति है जो माता को खुश करने की ये यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि जन कल्याण हेतु, विश्व के कल्याण हेतु ये इस तरह से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा होता है बहुत से लोगों का देखा जाता है कि भाई ये कोई हमारा मन्नत पूरा हो गया तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व के कल्याण हेतु इस तरह से कर रहे हैं। और इनका कथन ये भी है कि जब तक सांस चलेगा तब तक मैं हरेक दशहरा में इस तरह का कलश जो है वो अपने छाती पे रख कर करूँगा। ये ऐसा कहीं ना कहीं एक तो एक तरीके से कहा जाए तो एक अनोखा भक्ति है, और कहीं ना कहीं माँ के उनके ऊपर साक्षात चमत्कार भी है, आशीर्वाद भी है। मान लीजिए कि बिना नित्य क्रिया किए हुए हम लोग 24 घंटे भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर इस तरह का माँ का आशीर्वाद है कि 10 दिनों तक इस तरह से रह जाते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं ना मल मूत्र जाते हैं, और इस तरह से रह जाते हैं, तो किसी ना किसी तरह से तो माँ का ही आशीर्वाद कहा जाएगा कि इस तरह से कर रहे हैं। और 21 जो कलश है वो छाती पे रखे हुए हैं, मीडिया वाले भी पहुंचे हुए हैं, वो बुलवा रहे हैं, और बड़ा ही अनुपम दृश्य है यहाँ का अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से सर ने कहा कि एक अनुपम दृश्य है, देखिएगा यहाँ पे मीडिया का तांता लगा है, और जो श्रद्धालु हैं वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं इस चीज़ को देखने के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मतलब कि कहा जाए कि पटना में ही जो नौलखा मंदिर है, कहीं ना कहीं बहुत मतलब कि एक आश्चर्यचकित दृश्य आपको देखने को मिलेगा। क्या कुछ सोचते हैं? इस तस्वीर को देखिए एक बार फिर से, दिखाइए थोड़ा सा नज़दीक से लाइए, और इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है आप बस बताइएगा। और क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो को देखने में आप बस बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार, जय माता दी, जय हो।